तो बोल देना ठीक है लास्ट में। हरे कृष्णा सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री ल नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत ग्रंथ का दसम स्कंध को वर्णना करने जा रहे हैं। कहते ये दसम स्कंध क्या है, बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ, बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके जा रहे थे उस समय उद्धव भी वहीं पर थे। बोले प्रभु आप तो ये जगत छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं आश्रय किसको लेकर गिरा हूँ। तब कृष्ण बोले कोई चिंता मत करो, मैं तो एक स्वरूप में जा रहा हूँ लेकिन कलियुग में मैं दूसरे स्वरूप में भी जगत में विद्यमान रहूँगा। बोले प्रभु कलियुग में आप किस रूप में रहोगे, बोले तेन अयंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। बोले मैं शब्द ब्रह्म रूप में अपना तेज को ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ही रख करके जाऊँगा। इसलिए कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण करेंगे, बोले भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग नहीं। जो कथा सुन रहे हैं आप लोग सबके सब ठाकुर जी से मिल रहे हैं। इसलिए बंगला में एक कहावत है, बोले हरि को थाए, बोले हरि कहाँ है, बोले हरि कथा है। भगवान और कहीं नहीं, कृष्ण खुद कहते हैं मद्भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठा मिनारद। जब नारद जी भगवान से पूछे प्रभु आप कहाँ रहते हो, ठाकुर जी बोले मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, न तो किसी जोगियों का हृदय में नहीं, जहाँ पर मेरे भक्तजन मेरे कथा करते हैं मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर ही रहता हूँ। इसलिए भगवान कलयुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में जगत में विद्यमान है। इसलिए बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतम स्वरूपम। जैसे भगवान कृष्ण समस्त कारणों का जैसे कारण है कृष्ण है, उसी तरह कदि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है समस्त ग्रंथ में जो मुकुटमणि जो सर्वश्रेष्ठ ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, जिसमें समस्त वेद वेदांत उपनिषद महाभारत गायत्री समस्त शास्त्र ये श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। बोले तत्रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। अगर किसी ने एक बार ये भागवत रस को पान कर ले फिर तो उसको कोई भी रस उसके अच्छी नहीं लगती, सारे रस उसको सामने फीकी पड़ जाती हैं ये भागवत ग्रंथ को सामने। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं जैसे भगवान के बारह अंग हैं, कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में विद्यमान है। कहते प्रथम द्वितीय स्कंध ये ठाकुर जी की दो चरण हैं, तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान की जो जांघ है, पंचम स्कंध भगवान की नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंध भगवान की दो भुजा है, अष्टम स्कंध भगवान के बक्ष स्थल और नवम स्कंध भगवान की कंठ, दसम स्कंध बोले भगवान की मुखार बिंद और एकादश स्कंध भगवान की ललाट और द्वादश स्कंध भगवान की सर है। ये कहते भगवान ही कृष्ण ही ये भागवत रूप में विद्यमान, लेकिन बोले जो दसम स्कंध जब प्रारंभ कर रहे हैं, कहते ये दसम स्कंध क्या है,
बोले ठाकुर जी के मुखारविंद है। अगर कोई व्यक्ति ये भागवत ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, मतलब है भगवान के मुखारविंद को दर्शन करना है। जैसे किसी व्यक्ति को पहचानना हो, किससे हम पहचानते हैं? मुंह से। अगर किसी व्यक्ति की पूरा सर को ढक लो लेकिन केवल उसको मुखमंडल को अगर हम अगर देख लेते हैं, पहचान जाते हैं ये अमुक व्यक्ति है। लेकिन अगर किसका मुंह ढक लो, पूरा शरीर दिखा, हम पहचान पाएंगे ये व्यक्ति? नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन केवल मुखारविंद से ही पहचान जाते हैं। इसलिए जी सुखदेव गोस्वामी जब ये दशम स्कंध को वर्णना करने जा रहे हैं, कहते भगवान की जो ये दशम स्कंध है यही भागवत का मेन, यही है जो भगवान की कथा, भगवान की कृष्ण की मधुर मधुर जो कथा, यही ही भागवत का यही सार है। इसलिए प्रारंभ से पहले उनने कृष्ण कथा है क्या चीज, कृष्ण कथा सुनने से होता है क्या, तो उनने दो तीन श्लोकों को द्वारा उन्होंने वर्णना किया है। हम लोग कुछ दिन से ये कथा को श्रवण कर रहे थे। बोले जस्याननम मकर कोंड चालू कर्णम भ्राजत कपल सुभगम सबिलासहासम नित्वत्सवम न तत्तृप्ति दिशि भी पिबंतो नार्ज्य नराश्चमुदिता कुपीत निमेश। यहाँ पर कह रहे हैं जब हम भगवान की मुखारविंद को दर्शन करते हैं, ठाकुर जी इतने सुंदर, ठाकुर जी इतने सुंदर, ठाकुर जी कि जब भगवान की मुखारविंद को दर्शन करते हैं, बोले नित्वत्सवम, मतलब है जितने ठाकुर जी के मुखारविंद को दर्शन करो ना, ऐसे लगता है कभी जीवन में ठाकुर को दर्शन नहीं किया, आप जीवन में पहला बार ठाकुर को दर्शन कर रहे हैं। जब जब ठाकुर को देखो, श्याम सुंदर को देखो, ठाकुर जी को जब देखो, सवेरे देखो, दोपहर में देखो, शाम को देखो, उनको शयन आरती में जब देखो, दिन भर भी देखते रहो, कभी भी ठाकुर जी कभी पुराने नहीं लगते हैं। इसलिए हम पता कल सुन रहे थे ना, जब गोविंद कृष्ण राधा रानी से मिल करके कुंज से अभी अभी निकले, अभी अभी निकले, निकलते ही राधा रानी कहती है ललित ये कौन है? बोले कौन है? अभी अभी तो तेरे से मिल करके गई। बोले मैं तो जीवन में कभी देखा नहीं, कभी तो इनको देखा नहीं लगता है, पहला बार जीवन में मैं देख रहा हूँ। बोले कारण क्या है? बोले कारण है प्रेम का एक लक्षण होता है अनुराग। जब अनुराग अवस्था में जीव पहुँचता है, किसी जगत में देखो कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है, लड़की किसी लड़का को प्रेम करता है, हाँ यद्यपि ये शरीर मिट्टी का शरीर है, टाटी पेशाब का पी के और कुछ इसमें है ही नहीं, पेट को फाड़ करके देख रख लो ना, सब यहाँ से भाग जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये शरीर क्या है? बोले पंच रचित ये अधम शरीरा, ये अधम शरीर इसको बताए, केवल टाटी पेशाब खून पी की ये एक ढांचा, इसमें और कुछ है ही नहीं टाटी पेशाब के बगैर। लेकिन जीव को इतने पागल बना देता है जो प्रेम करता है, वो पागल बना देते हैं। लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप कैसे है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, हमारा शरीर तो पांच चीज से बनी हुई है, मिट्टी वायु जल आकाश अग्नि से, लेकिन ठाकुर जी का शरीर किस चीज में बना हुआ? बोले सत चित और आनंद, ये तीनों चीज से ठाकुर जी की शरीर बना हुआ है। भगवान ये हड्डी पेशाब की ये थली नहीं, ये भगवान क्या है? ठाकुर जी ये सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए कहते जब जब ठाकुर का दर्शन करते हैं लगता है जैसे जीवन में हमने पहला बार ठाकुर जी का दर्शन किया। इसलिए गोपी गीत में एक श्लोक है, जब कृष्ण गैया चराते हुए ठाकुर जी ब्रज में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय ठाकुर जी जाते समय भी बंसुरी ठाकुर जी बजाते हैं, ठाकुर जी जाते समय भी ठाकुर जी बंसुरी बजाते हैं। गुरुदेव एक सुंदर कथा सुनाया करते थे, अभी अभी ब्रज में एक नवेली, नई बहू अभी घर में शादी होकर के आई, कृष्ण जब गोचारण के लिए जा रहे थे उस समय कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर बंसुरी बजाते हैं। बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रजवासी सारे घर के काम काज को छोड़ करके ठाकुर को दर्शन के लिए आते हैं। जो एक नई बहू थी बोले मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊं,
लेकिन उसको सास ने बोले देख बहू, वो काले को देखने में दया करो। बोले क्यों? बोला अगर वो एक बार काट देगा ना, वो जहर नहीं उतरेगा, वो जहर नहीं उतरेगा, इसलिए उसको दर्शन करने मत जाया कर। क्योंकि ब्रज में जो गोपियां हैं ये कोई लड़की नहीं है, ये पूर्व पूर्व जन्म का जो वेद का जो ऋचा है, वेद का जो मंत्र है, इन लोगों ने कठोर साधन भजन करते हुए, दंडकारण्य के जो बड़े बड़े ऋषि लोग थे, ये साधन भजन करते हुए, जनकपुरी के जो वहाँ के जो सहेलियाँ सीता जी की, उस सब के सब, और श्री भगवान राम जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करते थे, वो यज्ञ में जो एक एक सीता को बनाया करते थे, उस सब के सब ये द्वापर युग में ये सब के सब ये गोपी बन करके आई है। ये कोई लड़कियां नहीं है, गोपियां हैं। ये करोड़ों करोड़ों जन्म की जो पुंज पुंजकृत जो सुकृति की फल से ये सब के सब ब्रज में ये गोपी बन करके आए, भगवान को अपना प्रियतम रूप में प्राप्त करने के लिए। इतने में जब वो आई, बोले देखो मत जाया करो, वो काला सांप काट देगा तो जहर नहीं उतरेगा। बोले तू तो डोकरी होकर के बुढ़िया होकर तू भी दर्शन के लिए जा रहे, हमारे जो ससुर वो भी तो डोकरा, वो भी बूढ़ा, वो क्यों दर्शन करने के लिए जा रहा है? फिर मेरी जो ननंद है वो भी तो दर्शन करने के लिए जा रही ना, इनको काटेगा नहीं, मेरे को ही काटेगा। बोले तेरे को ही काटेगा और किसी को काटेगा नहीं, क्योंकि जो ब्रज की जो गोपियां, ये कोई साधारण है नहीं, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। बोल तो मैं जरूर जाऊंगी दर्शन करने के लिए। इतने में वो गोपी मानी नहीं और ऐसे घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन कर रही थी। कृष्ण को सब पता है कौन भक्त कहाँ पर किस रूप में मेरे को उपासना करती हैं, उनको सब कुछ पता है, उनको कृष्ण सब जानते हैं, और उनको प्रेम को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। इतने में कृष्ण वो गोपी को पास में आए तो आए कैसे? कृष्ण ने एक बहाना बनाई, एक बछड़े को उसी गोपी को तरफ में मुंह करके उसको पूछ को उन्होंने ऐंठ दिया। वो ऐंठते ही वो जो बछड़ा फुदकते हुए सीधा वो गोपी को पास में पहुंच गया। इतने में कृष्ण बछड़ा का बहाना बना करते आए, वो जो गोपी घूंघट उठा करके देख रही थी, उन्होंने बंसुरी से उन्होंने उसको कपल पर स्पर्श कराया और उनको तरफ में देख करके थोड़ी सी उन्होंने मीठी मीठी मुस्कुराया। बस कृष्ण तो उसकी मन प्राण चित्त लेकर कृष्ण चले गए, चले गए। वो गोपी से ठगी रह गई, सबके सब तो घर में वापस आ गई, लेकिन वो गोपी वापस आई नहीं रही। सास ने देखा भैया बहू गई क्या, जो आकर के देखा वो तो ठगी से ठगी, लकड़ी जैसे ठगी से ठगी खड़ी हुई। क्यों? उसका मन प्राण चित्त तो कृष्ण लेकर के चले ही गए कृष्ण। इतने में सास आकर के बोली तेरे को मैं पहले सावधान कर रही थी, तू मत जाया कर, वो काला सांप काटेगा तो जहर उतरेगा नहीं, काट दिया ना तेरे को मना करने पर, तू सुनने के देखने के लिए आई। अभी वो सोच रही है इसको किसी घर का काम काज में लगा दूं, मन इसको वापस चला आएगा। बोले जा यहाँ पर बैठ करके तुम दधि मंथन कर। उसको तो दधि मंथन कराने के लिए लगा करके गई, लेकिन थोड़ी देरी बाद में आ करके देखती है वो दधि मंथन क्या करेगा, वो राई के मंथन कर रही, क्योंकि उस मन तो है ही नहीं, मन तो शरीर का मन है ना। जैसे मानो यहाँ पर आप बैठे हो कथा सुन रहे हो, अगर मैं पूछूं क्या सुन रहे थे, बोले अरे मेरा मन तो यहाँ नहीं था, मेरा मन तो और कहीं था। शरीर का मेन कौन? मन, मन है, हैं? अगर हम बोलते ना भैया मन से काम कर, मन से खा, मन से सब कुछ काम कर, बोलते हैं ना मन से, इसलिए ये मेन मन है, लेकिन वो मन तो गए है ही नहीं, हैं? इसलिए कहते एक मन सो गए श्याम संगे को आराध्य ईश। शरीर का मैन ये मन है लेकिन उसका तो मन है ही नहीं, देखा राई मंथन कर रही। बोले इसको थोड़ी सी चलने फिरने का काम में लगा दे। बोले जा कुएं से पानी भर कर ले आ। और ब्रज में आपको पता होगा तीन चार मटकी सर पर रख देते हैं और उसको हाथ में एक लड़का को पकड़ा दिया, जा कुएं से पानी भर कर ले आ। कुएं से दूसरे दूसरे गोपियां भी कुएं से पानी भर रही थी। इतने में उसने किया कि जो रस्सी था ना, वो रस्सी मटकी में क्या लगाएगी, वो सीधा बच्चे का गले पर फांत लगा दी और बच्चे को ही उसने कुएं में उतार रही थी। किसने कहा भैया इसको तो भूत लग गया है, भूत,
लेकिन वहां पर अनुभूति संपन्न गोपियां थी जिनको पता है, बोले भैया इसको भूत नहीं लग गया, इसको नंद बाबा का पुत्र लग गया है, नंद बाबा की पुत्र भी भूत लग गया इसको। कहते साधारण भूत होता तो छूट जाती है, लेकिन ये ऐसे एक भूत है ना, अगर लग गया तो भैया जितने मंत्र पढ़ा और ज्यादा भूत, और भी ज्यादा भूत चढ़ जाते हैं भैया, ये भूत कभी उतरता नहीं है। इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी छिटा पटा लग गया तो क्या हुआ, घर बार छुड़ा करके वृंदावन में बैठे। देखो ये विदेश के देखो, थोड़ी सी छिटा पटा इनमें भी लगा है, हैं? इसलिए लग गया तो क्या हुआ, अपना विदेश का सारे सुख सुविधा को छोड़ करके, हैं? अभी तो इधर बहुत ठंडा है, मैं तो रसिया गया है, उनको घर में ना एकदम पतला कपड़ा पहन कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे सिस्टम उसकी है, घर में ऐसे सिस्टम बना करके रखे हैं। लेकिन वहाँ के सारे सुख सुविधा छोड़ करके कहते राधे राधे बोलो और वृंदावन में डो, हैं? और वृंदावन में सब पागली में होकर के सबके सब यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए हमारे बिल्लो मंगल जी बताते हैं, बोले साध्वी माध्वी का न चिंता भवती सरकरे कर्कसासी। श्री बिल्लो मंगल कहते हैं अगर किसको राधा गोविंद का प्रेम का एक बूंद अगर किसकी स्वाद का विषय हो, कोई अगर एक बूंद अगर उसको कोई आस्वाद न करे तो पृथ्वी का सारे संपत्ति उसको सामने फीकी पड़ जाती है। कहते हे सर करे तू तो कर्क, तुम तो कर्कशा हो गए हो, तुम तो कड़ुआ लग रहे हो, हे अमृत मृत मसी, बोले हे अमृत तू मर जा, हैं? बोले द्राक्षा द्राक्षंती, अंगूर का रस होता है द्राक्षा रस, बोले तेरे तरफ में और कोई देखेगा नहीं, तेरे तरफ में कोई देखेगा नहीं। कहते पृथ्वी का सारी संपत्ति सु क्या हो जाता है, उसको सामने फीकी पड़ जाती है। जब राधा कृष्ण का प्रेम रस अगर जीवन में एक बूंद अगर किसको चस्का लग जाए तो देखो हमारे केले साहेब को देखो, इतने जीवन में सारे संपत्ति को कमाए लेकिन कमा करके सारे सुख छोड़ करके वृंदावन में बैठे, सारे जितने पैसा वैसा को सारे मंदिर फंदिर में लगा दिए, सारे ठाकुर की सेवा में राधा श्याम सुंदर की सेवा में लगा करके सब कुछ करके वृंदावन में देखो ठाकुर का माला जप कर रहे, भगवान की ये भक्ति कर रहे हैं। इसलिए अगर एक बूंद किसके आस्वादन की विषय हो, इसलिए कृष्ण जब जाते हैं, कृष्ण जब निकलते हैं, बंसुरी बजाते हैं, ब्रजवासी सबके सब कृष्ण को दर्शन के लिए आते हैं। क्यों? सबरे जा रहे हैं दिन भर और गोविंद का दर्शन नहीं मिलेगी, हैं? और दर्शन नहीं मिलेगा इसलिए कृष्ण फिर जब शाम को आते हैं तभी कृष्ण मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं। जब बंसी ध्वनि करते हैं जितने ब्रजवासी सबके सब घर से निकल करके बाहर आ जाती हैं और ऐसे घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन करती हैं। लेकिन दर्शन करते समय जैसे आँखों का जो पलक झपती है ना, आँख का पलक झपती है, लेकिन इतने तेजी से ये आँखों का पलक झपती हैं आपको पता चलता है, जैसे कोई चीज़ को हम देख रहे हैं पलक इतने तेजी से झपती हैं पता नहीं चलता आँख का पलक कब गिरी है ना, लेकिन उसी समय में भी गोपियाँ कहती हैं बोले त्रुटि जुगायते त्वांगम पश्यताम कोटिला कोंतलम श्रीमदाततम। इसलिए गोपियाँ कहती हैं ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, अगर हम लोगों को ब्रह्मा बनाते ना हम सिखा देते, कृष्ण देखने में कितने सुंदर है श्याम सुंदर, और उनको देखने के लिए तुम केवल दो ही आँखें दे दिए, आँख तो अगर हजार हजार हैं। रूप गोस्वामी तो कहते हैं तुंडे तांडव निबित भूत नुते तुंडा बलि लब्धे कर्ण क्रड़ो कड़मिनी घटे थे कर्णा बुधेव स्प्रिया। रूप गोस्वामी कह देते हैं ये दो ही कान क्यों दे दिया, पूरा शरीर में अगर कान ही कान दे देते तो तभी कृष्ण कथा सुनकर के आनंद मिलता है, इसलिए दो आँख क्यों दे दिए, पूरा शरीर में आँख ही आँख हो जाते तो दर्शन करके हमें आनंद मिलता, बोले एक जीवा क्यों दे दिया कृष्ण नाम करने के लिए, बोले तुंडे तांडव निबित बितनुते तुंडा बलि लब्धे। अगर अर्बुद खरबुद अगर जीवा दे दिया तो हैं तभी कृष्ण नाम लेकर के हमें आनंद की प्राप्ति होती, उन्होंने एक जीवा क्यों दे दिया, मतलब जो कृष्ण
जो दो अक्षर है ये दो अक्षर में इतने मीठा है, इसमें इतने मधु है, केवल ये दो अक्षर में इतने मीठा है, इतने मीठा। इसलिए हरिदास ठाकुर क्या करते थे, दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए 24 घंटे में 24 घंटा हरिदास ठाकुर जी भगवान का नाम को जप करते हैं, ठाकुर जी की नाम को जप करते हैं श्री हरिदास ठाकुर जी। इतने कृष्ण नाम में इतने मीठा ये कृष्ण नाम है। इसलिए कृष्ण जब आते बोले त्रुटि जुगायते त्वाम नपसताम, ये जो पलक झपती हैं पता नहीं चलता पलक कब झपती हैं, लेकिन इतना समय को भी गोपियां कहती हैं लगता है मानो कृष्ण को हमने करोड़ों युग से हम कृष्ण को दर्शन नहीं किया, करोड़ों युग से कृष्ण हमने दर्शन नहीं किया। इसलिए ब्रह्मा को ये निंदा करते हैं, कहते अगर हमें ब्रह्मा बनाते ना हम शिक्षा देते, आँख बनानी चाहिए तो कैसे आँख बनानी चाहिए हैं, कैसे करोड़ों करोड़ों आँख दे देते तब ठाकुर को देख करके हमें आनंद प्राप्ति होता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते पिबंतो, क्या करते हैं ये लोग भगवान को दर्शन करते हुए मन आँखों को द्वारा ठाकुर जी का आरती उतारती है, हम मन आँखों को द्वारा ठाकुर जी को पान करती हैं, ठाकुर जी को पान करते हैं। बोले नार्ज्य नराश मुदिता कुपीत निमेश, इसलिए आँख को पल्लव को ये निंदा करती हैं। बोले भैया ये कब ये स्थिति आती है, तब यहाँ पर बताए श्री रूप गोस्वामी हमारी संप्रदाय का संत हुए हैं, कहते ये प्रेम तीन तरह का प्रेम है। एक प्रेम है हैं, कहते जो एक प्रेम है जो प्रेम को कुब्जा कुब्जा की प्रेम बताया, कौन सा प्रेम है, इसमें तीन तरह का, एक है एक साधारण रति और एक सामंजस्य और एक समर्था। देखो आप लोग थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करो हैं, कहते ये कुब्जा की जो रति थी ना, कहते इनका जो प्रेम थी कुब्जा के अंदर में ये साधारण रति है, क्योंकि जब कृष्णा कहाँ पर गए, कृष्ण जब मथुरा में गए, कहते ये कुब्जा पूर्व जन्म में कौन थी, कुब्जा पूर्व जन्म में कौन थी, बोलो कौन थी कुब्जा पूर्व जन्म में, बोलो कौन थी, बोलो हाँ, ये बलि महाराज की बेटी थी। जब भगवान वामन रूप लेकर के बलि महाराज का दरबार में पहुँचे हैं, बलि महाराज को पहुँचे, वहाँ पर पहुँचते ही कहते ये भगवान कृष्ण को दर्शन करते हुए हैं, इनके दर्शन करते हुए बोले अगर मेरे पास में ऐसे एक लाला होता है ना, वो थी पुतना थी, वो थी पुतना है, कहते हाँ ये था सुपर्णखा है। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता जब वनवास में गए, अभी भगवान राम को दर्शन करते हुए सुपर्णखा का मन में बोले इतने सुंदर पुरुष है, वो तो एकदम पागली बन गई हैं, काम में इतने जर्जरित हो गई, वो बड़ी सुंदर सुपर्णखा बन करके आई, आ करके बल भगवान राम को बोले देखो मैं जैसे सुंदर ही है ना, भगवान तेरे को भी ऐसे सुंदर बनाया, हमारे जोड़ी ठाकुर जी बड़े प्यारे बनाया, इसलिए मेरे से तुम ब्याह कर ले शादी कर ले। वहाँ पर सीता थी, बोलते ऑलरेडी मेरी सीता है, बोले इसका अंदर में क्या रखी हुई हैं, इसके सारे हड्डी हड्डी इसमें क्या, देख मैं कितने सुंदरी हूँ, मैं कितने सुंदरी हूँ, मेरे से शादी कर ले। बोले मेरे सीता है, मैं सीता के सिवाय और किसी को मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, क्योंकि जगत में ये स्थापना करने के लिए प्रभु राम आए। अगर हमको संसार में रहना तो रामायण हमें क्या शिक्षा देता है, संसार में हमें कैसे रहनी चाहिए, संसार में हमें कैसे रहनी चाहिए, भगवान राम ने ये चीज़ को हमें शिक्षा देकर गए। बोले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अपना पत्नी को छोड़ करके मैं पराय स्त्रियों के प्रति कभी भी स्त्री रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, ऑलरेडी मेरी सीता है। लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए, जब लक्ष्मण आए बोले ये कौन, ये तो बड़े सुंदर है, बोले मेरे छोटे भाई है, बोले
ये तो मेरे से शादी कर सकता है, बोले तेरे जैसे मनमानी को कौन मना कर सकता है, पूछ कर देख। जब वहाँ पर गए लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण को भी बोले मेरे से शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले मैंने देखा तू बड़े भाई से कुछ बोल रहे, बोले वो मेरे प्रेम को नहीं समझा, बोले तू मेरे प्रेम को समझोगे इसलिए तू मेरे से शादी कर ले। बोले तू दासी बनना चाहती ना, राज रानी, बोले राज रानी, बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना, जिंदगी भर सेवा करते करते थक जाओगे, कहाँ महारानी बनने की क्या तू तो स्वप्न देखती हो, जाओ प्रभु राम के पास में जाओ। लेकिन फिर राम के पास में गई, फिर भगवान राम इनकार कर दिया। इतने में सुपर्णा का अपना स्वरूप में आ गया, बोले जानते हो मैं कौन हूँ, रावण का बहन में सुपर्णा हूँ, प्रार्थना करने वाले नहीं, ये इतने सीता जितने गड़बड़ी करने वाले इसको खा जाती है। इतने में भगवान राम लक्ष्मण का आदेश दिया, लक्ष्मण किया उसको नाक कान को काट दिए, है उसको नाक कान काट दिए। बोले प्रभु नाक कान क्यों काट दिए, भैया किसको शादी नहीं करना, तू शादी मत कर, नाक कान क्यों काट दिए, बोले जो लक्ष्मण है ये गुरु है। बोले ये गुरु का काम क्या है, बोले गुरु का काम ये है ये जीव को उपयुक्त बना करके ठाकुर जी को सेवा में लगाना, ये गुरु का काम है। लक्ष्मण गुरु है, वो समझ गए इसने तो ठाकुर के हृदय में बैठा दिया। बोले भैया तू और किसकी बन करके मत रहना, बन करके रहना तो राम की बन कर जाओ, क्योंकि एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, अगर उसको नाक कान काट दो दुनिया में उसको कोई पूछेगा, फिर कोई उसको पूछने वाले नहीं, बोले तू राम की बन करके रहो, हैं। इसलिए लक्ष्मण गुरु है, फिर वही कृष्ण लीला में कुबड़ी बन करके आती हैं। हाँ, दूसरा कारण बताए, बोले देखो अगर कोई प्रभु राम को पाना चाहते हैं, बोले जब तक मैया सीता की कृपा नहीं होना, भैया राम तो मिलने वाले नहीं, इसलिए वृंदावन में आओ। इसलिए देखना कोई भी कृष्ण का नाम नहीं लेता है, यहाँ पर कोई कृष्ण का नाम लेता है, किसका नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, क्यों कहते ना राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, अगर राधा जी की कृपा, इसलिए उन्होंने सुपर्णखा बन करके आई, लेकिन सुपर्णखा तो सुपर्णखा नहीं कुब्जा बन करके आई, लेकिन तो कुब्जा बन करके आई, लेकिन प्रभु कृष्ण को पता सब कुछ, बात कृष्ण को पता है। हाँ, इतने में भगवान कृष्ण बोले, बोले ओ सुंदरी सुंदरी ओ सुंदरी, लेकिन वो तीन जगह से टेढ़ी थी, उसको देखकर बच्चे डर जाते थे, लेकिन जब भगवान ने बोले ओ सुंदरी सुंदरी, बोले भैया अभी तक तो मेरे को देखकर सब डरते थे, ये सुंदरी सुंदरी कौन बोल रही है, मोड़ करके देखा भगवान कृष्ण को। जब भगवान कृष्ण को उन्होंने दर्शन की, कृष्ण को दर्शन करके एक तो प्रेम में तो बात दीवानी बन गई, तू तो केवल लेना ही लेना जानते हो, देना तो कभी सीखा नहीं। बोले क्यों, बोले देख ये तीन जगह से टेढ़ी, बोले भैया मैं भी तो तीन जगह से टेढ़े हूँ, मैं भी टेढ़ा हूँ, ये भी टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी दोनों बड़ी सुंदर है, हमारा जोड़ी बहुत प्यारी, बोले इसको सीधा कर दो। बस भगवान कृष्ण ने क्या की, एक चरण प्यार के ऊपर में थोड़ी में एक हाथ और पीठी में एक हाथ रख, एक झटका मार तो सीधा उसको सटका सीधा कर दिए, वो इतने सुंदरी बन गई, इतने सुंदरी बन गई, अपना रूप को देख करके सह नहीं सकी, इतने सुंदरी बन गई, क्योंकि भगवान का हाथ लग गया ना। इतने में कृष्ण की दुपट्टा को पकड़ ली, बोले प्रभु ये रूप आप ही दिए हो, ये रूप का आप ही भोग कर सकते हो, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रही, यहाँ जेठ खड़े कपड़े पकड़ कर खींच रहे हो, बलदेव प्रभु वहाँ पर खड़े हैं ना, हमारी पर्दा होता है ना, बड़े भाई के सामने पर्दा करते हैं, बोले कंस को मार कर कृष्ण को जो अपना घर में ले जाना चाहती हैं, कृष्ण को उपभोग करना चाहती, उसको साधारण गति बताए, लेकिन उसको ऊपर जो प्रेम है उसको बताया सामंजस्यारति। सामंजस्यारति मतलब क्या है, बोले सामंजस्यारति उसको कहते जो द्वारका का जो महिषिया, द्वारका में जो कृष्ण की महिषिया, अच्छे तरह से आप लोग समझो, रूप गोस्वामी बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, यहाँ पर जो महिषियों का जो प्रेम है, कृष्ण का प्रति भी इनकी प्रेम तो है ही है, लेकिन उनका कुछ प्रेम है, हर महिषी का 10-10 बेटे एक एक बेटी हुई, सब महिष का 10-10 बेटे एक एक बेटी हुई, इसलिए अब देखना जब शादी हो जाती है क्या होता है, पत्नी का प्रति भी प्रेम रहती है, लेकिन बच्चों का प्रति भी प्रेम रहती है, इसलिए प्रेम देखना बट ही प्रेम, अपना प्रेम देखना बट जाती है।
इसलिए यहाँ पर बच्चों का प्रति भी प्रेम है, कृष्ण का प्रति भी इनकी प्रेम है, इसलिए इनको कहते हैं सामंजस्य रति। और एक रति होता है प्रेम है, जिसको कहते हैं समर्थारति। समर्थारति मतलब क्या होता है, भगवान को बसीभूत करने में जो समर्थ है अपना प्रेम को द्वारा। इसलिए ब्रज गोपियों का कोई संतान नहीं, इनकी कोई संतान नहीं, इसलिए इनका जो प्रेम है ना एक निष्ठ होकर केवल कृष्ण, कृष्ण का सिवाय जो कुछ नहीं जानती है। इसलिए उद्धव जी जब ब्रज में आए और गोपियों को ज्ञान की बात बताई, बोले भगवान, भगवान तो सर्वत्र है, भगवान कहाँ नहीं, भगवान तो सर्वत्र है। इसलिए जहां उनको याद करोगे उनको याद होएगा, भगवान को यहीं पर बैठ कर ध्यान करो। मन थोड़ी दस बीस, मन तो एक ही है, वो एक मन तो कृष्ण जब ब्रज छोड़ करके गए, ये कृष्ण को साथ में ही मन ही चला गया। ध्यान तो मन से करते हैं ना, मन तो है ही नहीं, मन तो कृष्ण को पास में मन है, मन तो कृष्ण को पास में मन है। इसलिए कहते कृष्ण को जो संपूर्ण रूप में कंट्रोल करने में समर्थ कौन है, बोले गोपियों का प्रेम समर्थ प्रता है, अति है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कृष्ण की एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा था, कृष्ण का ये प्रतिज्ञा थी गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्त ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जैसे भजन करता है, अगर कोई 10% भजन करता है ना, मैं उसको 10% प्रेम देता हूँ। कभी अगर 15% प्रेम करता है, उसको 15% में प्रेम देता हूँ। जो जैसे मेरे को भजन करता है, मैं वैसे ही प्रति देता हूँ। लेकिन केवल ये गोपियों के पास में आकर के रासलीला में कृष्ण डिक्लार करते हैं, बोले न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम सो साधु कृत विबुधाई बसा भी वो। हे ब्रज गोपियाँ, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं तुम्हारी ऋणी से कभी ऋणी नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को जो प्रेम किया ना, भाई बंधु पुत्र परिवार को एक तर्क में रख करके पूरा के पूरा 100% तुम लोगों ने मेरे को प्रेम किया है। ब्रह्मा जैसे परमायु पा करके कभी ऋणी से मैं ऋणी बन ही नहीं सकता हूँ। इसलिए इनको प्रेम को समर्थारति कहती हैं। इसलिए यहाँ पर कहती हैं, जब कृष्ण को ये दर्शन करती हैं, क्या करती हैं, बोले मुदिता कुपित, ये आँख जब बंद होती हैं, इसी पलक को भी निंदा करती हैं, ब्रह्मा को सृष्टि करना नहीं आता है, कृष्ण को दर्शन कर लिए, दो आँख फिर इसमें पलक भी दे दिया, इसमें पलक भी दे दिया उन्होंने, वही व्यक्ति रसी की, ये पलक को काट कर फेंक दो, ये पलक को काट कर फेंक दो, पलक को मतलब कृष्ण को, केवल कृष्ण को दर्शन हो तो अनिमिष नेत्र में केवल दर्शन हो। इसलिए इसको चार तरह का माधुर्य में एक माधुर्य प्रेम माधुर्य है, कहते इनके अंदर में ये प्रेम माधुर्य है। इसलिए यहाँ पर कहती हैं, ये आंखों का तभी सार्थकता है जब इन आंखों से ठाकुर का दर्शन, नहीं तो ये आंख नहीं, ये पांख है। कहते मयूर पंख में भी सुंदर सुंदर आंख बना हुआ है, वो आंख कौन सा काम में आता है, अगर ये आंखों से अगर श्री श्याम सुंदर का दर्शन करे तो बस ये आंखों की सार्थकता है। इसलिए ये श्लोक में उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने बात बताई, और लास्ट में कहते हैं उन्होंने एक श्लोक में पूरा कृष्ण लीला को उन्होंने गायन कर लिया, पूरा एक श्लोक में। इसमें कहते बोले जात तो गत प्रीति गृहात ब्रज मेधितार्थ हत्वा रिपुन सुत सुतानि कुतो रुदार उत्पाद ते सुपुरुषम क्रतुभि समीजे आत्मानमात्मन निगमम प्रथयन जनेशु। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में हैं, जैसे अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र को पान कर लिया था, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में पूरा कृष्ण लीला को वर्णन किया। कृष्ण कैसे वृंदावन में कितना आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कृष्ण कैसे नंद गोकुल में जन्म हुए, वहाँ पर कैसे नंद बाबा ने खुद उत्सव किए, फिर कृष्ण कैसे पुतना को वध किए, अघासुर को वध किए, बकासुर को वध किए, उन्होंने अघासुर को वध किए, गिरिराज उठाए, कालिय को सर पर नृत्य की, सत करोड़ों गोपियों को साथ में पर गुरास रचाए, और ठाकुर जी मथुरा में गए कंस को उधार की, फिर उन्होंने द्वारका में गए 16,108 पटरानियों से शादी की, हर रानियों का 10-10 बेटा एक एक बेटी हुई, और ऋषियों की अभिशाप को उन्होंने ग्रहण किया,
ग्रहण करते हुए उन्होंने प्रभास क्षेत्र में गए और प्रभास क्षेत्र में ठाकुर जी अंतिम लीला को उन्होंने अंतर ध्यान होकर के अपना धाम में चले गए। इतना बोल करके सुखदेव गोस्वामी बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जोर से बोलो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। होकर के चुप हो गए। परीक्षित महाराज तो देखने लग गए, बोले क्या हो? बोले कृष्ण कथा सुनाया ना पूरी, तो कृष्ण कथा सुना दी। बोले मैं तो केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हुआ यहाँ पर चार दिन से, क्योंकि कृष्ण मेरे कुल देवता, जब मैं माँ की पेट में था उसी समय अस्वस्थ माने मेरे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग की, ठाकुर ही मेरी माँ के पेट में प्रवेश करके मेरे को गदा घुमा घुमा करके उन्होंने उसका तेज को निस्तेज किया है, इसलिए कृष्ण मेरे कुल देवता है। केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूँ, लेकिन आप तो एक श्लोक में पूरे के पूरी अपने कृष्ण कथा गान करके वृंदावन बिहारी लाल की जय कर दिया, मेरे को तृप्त नहीं हुआ। मैं तो चाहता हूँ पूरा के पूरा मेरे को कृष्ण कथा बढ़िया से विस्तृत करके सुनाओ, हैं विस्तृत करके सुनाओ। तो यहाँ पर प्रश्न होता है फिर उन्होंने एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा क्यों गान किया? हाँ, इसका एक रहस्य बताए, इसका रहस्य बताए। जैसे मान लो जेठ की महीना हो, कोई व्यक्ति धूप से चलते चलते धूप से आ रहा है और प्यास का मारे उसका छाती फट रहा है, बोले श्री राधा श्याम सुंदर की जय, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हाँ, जैसे मानो कोई जेठ के महीना में एकदम तपते हुए प्यास तक हमारे छाती फट रहा है, किसने अगर एक ग्लास बड़े सुंदर जूस ला करके आपको दे, फिर आप क्या करोगे बोलो? एक साथ में ढक ढक करके ना एक साथ में पी लो। क्यों? प्यास तक हमारा आपको छाती फट रहा है, बड़े समय से आपने पानी नहीं पिया है। कहते उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी, कहते ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवास। कहते ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण सुख नहीं, ये राधा रानी की प्रिय सुख है। ये राधा रानी अपना हाथ में बैठा करके जिनको आनार की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, कभी कभी राधा रानी स्वयं उनको चुंबन भी उनको करती थी, इसलिए राधा जी की अधरा मृत लगा हुआ है। इसलिए ये भी इनकी भी इच्छा है, क्या इच्छा है? कब कृष्ण कथा आए उनको प्रभु जी, प्रभु जी ना ठीक प्रभु मेरे को, मैं तो है प्रभु जी मेरा है कोई बात नहीं, अभी राधा रानी के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भी कृष्ण कथा करने के लिए वो भी तरस रहे थे, लेकिन जब ये दशम स्कंध कृष्ण कथा आई, जैसे टीवी में पूरा सीरियल आता है ना, इनके हृदय में तो संपूर्ण कृष्ण लीला उतरने लग गई। अब मानो बड़े प्यास आते कब कृष्ण कथा आए, इसलिए उन्होंने एक श्लोक के द्वारा उन्होंने पूरे कृष्ण कथा को पान कर लिया और वृंदावन बिहारी लाल करके जय कर दिया। इतने में श्री परीक्षित महाराज कहते नहीं मेरे को अच्छे तरह से कथा सुनाओ। सुखदेव गोस्वामी कहते देखो एक काम करो, तो चार चार दिन ही हो गया, एक बूंद पानी तक भी नहीं पिया, थोड़ा पानी तो पी ले, तब पानी पी लो। बोले भैया पानी के लिए जितना गड़बड़ी हुई है, मैंने ऋषि के आश्रम पर गया पानी मांगने के लिए, उनने पानी नहीं पिलाया और मैंने उनकी गले में मृत सर्प को डाल दिया और श्रृंगी ऋषि ने मेरे को अभिशाप दी, इसलिए जितने गड़बड़ी, आप पानी की बात कर रहे हो, पानी पानी की बात मत करो, आपकी कथा मृत से जो रस टपक रहा है आपके मुखार बिंद से, उसको पी पी करके मैं तृप्त हो रहा हूँ, मेरे को आप कृष्ण कथा सुना, इसी से मैं तृप्त हो रहा हूँ। अगर कृष्ण कथा को बंद करेंगे तो फिर मेरे को प्यास लगने शुरू हो जाएगा, इसलिए मेरे को कृष्ण कथा सुना। फिर तो उन्होंने पूरी की पूरी 3 दिन तक उन्होंने कृष्ण 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 कथा सुना। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, बोले सचिनंदन गौर हरि की, गौर प्रेमानंद हरि।
वहाँ पर लड्डू रखा हुआ था, ले आए लड्डू, सबके हाथ में लड्डू देना, ठीक है, बोला हाय रे कृष्णा हरे कृष्णा।